हाय, अभी अभी हमने देखा स्टेडियम का परिसर। आप सब लोगों की याद ताजा हो गई हुई पन्नगर की। इस समय हम सबको आप देख रहे हैं, हम सभी जो हैं पन्नगर की बहुत सारी 3-4 एक जनरेशन से हैं एक साथ में, और हो सकता है कुछ हमारे साथी हमें पहचानते भी हो, मुझे भी शायद। तो ये पीछे आपने देखा कि परिसर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमने पहले नहीं देखी थी, आज के स्टूडेंट इसे जानते हैं। और ये जिमनेजियम है और साथ ही इंडोर जिमनेजियम और इंडोर ही बैडमिंटन आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है। और मेरे साथ में मैं परिचय कराना चाहूंगा आपको, सर, हमारे आदरणीय सर HS पपोला सर। जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तब आप यहाँ पे कोच के रूप में आपकी एंट्री हो चुकी थी और आपसे हमने गेम के बारे में काफी सीख ली। काफी सालों बाद मैं आज सर से मिला हूँ और एक बहुत सुंदर सा मौका था आज हमारे जिम के। अभी मैं दिखाऊंगा उस समय, आपको बताता हूँ क्या सुंदर सा मौका था जिसमें हमारी ये मुलाकात हुई। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, डॉक्टर DP सिंह सर, जो कि यहाँ पर इस समय डिप्टी लाइब्रेरियन के तौर पर अपनी सेवाएं हमारी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। और मैं हेमचंद्र, मैं नहीं बताऊंगा अपने बारे में। मेरे साथ में यहाँ पर एक बिल्कुल नई स्टूडेंट है जो BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में है, ये पाखी है। और वैसे मैं बताऊंगा कि ये मेरी भतीजी भी है, सगी भतीजी। साथ में ये मेरे स्टूडेंट और छोटे भाई दीपक दानू, जो अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। आप इनकी फिजिक देख करके देख रहे होंगे कि चौड़े से लग रहे हैं ये, तो यहाँ के पावर लिफ्ट चैंपियन भी हैं इस यूनिवर्सिटी के। अब परिचय के बाद मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ में सीनियर्स हैं, डॉक्टर DP सिंह सर, जो सबसे लंबे चौड़े से दिखाई दे रहे हैं, ये हॉकी प्लेयर भी रहे हैं, आप सर यूनिवर्सिटी और अपने बारे में कुछ चंद शब्द हमसे साझा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बड़ा सादर प्रणाम। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के उसके लिए। मैंने इस इंस्टीट्यूशन को 99 में ज्वाइन किया था एज एस्टन लैब में। स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज में मेरा शुरू से ही जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैं खुद भी रहे, मेरा मेजर गेम हॉकी रहा है, बाद बाकी और सारे गेमों पर परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ आने के बाद जब इससे जुड़ा तो मेरा अपना हमेशा डे वन से ही मेरा इससे अटैचमेंट रहा। हम इसमें अपने जितना भी बेटर से बेटर कर पा रहे हैं, जितनी हमें हेल्प मिलती है समझे, तो हम इसमें देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आने वाले अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन पे हैं जो इससे एसोसिएटेड रहे हैं और चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन भी इससे जुड़ी रहे, चाहे वो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उसके साथ साथ इस एक्टिविटीज भी जो है जो उन्हें लाइफ लॉन्ग पे करेगी जो है। डॉक्टर HS पपोला जी मेरे साथ हैं, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे बढ़िया कोच हैं समझे, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स के ये मास्टर हैं, इसमें कोई जवाब इनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है समझे, ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। मैं तो पपोला सर के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग स्टूडेंट थे उस समय पपोला सर को फुटबॉल खेलते हुए देखते थे, और आज भी बात करते समय आपको बता रहा था मैं कि पपोला सर आपको जब हम फुटबॉल खेलते हुए देखते तो मुझे आपका गेम बहुत पसंद था। और मैं अभी भी कभी ऐसा जिक्र आता है तो मैं आपके बारे में वही जिक्र कर रहा होता हूँ कि सर अरे फुटबॉल मतलब इनकी काया भी जो थी शारीरिक वो भी एक धुरंधर फुटबॉल प्लेयर के जैसी थी।
बिल्कुल फिट बैठते थे और मैं बहुत फैन था उस चीज का। सर आपसे भी कुछ चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में या अपने बारे में या फिटनेस के बारे में हमसे। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर हेम जी आज हमारे जिम की ओपनिंग में आए, हम हेम जी का आभार व्यक्त करते हैं। और 2001 बैच के हेम जी हैं, तो जब मैं यहाँ ज्वाइन करा था 2001 में, मैंने भी ज्वाइन करा था, तो मैं इन लोगों को जिम करते हुए देखता था। और कई चीज़ें, मैं तो फुटबॉलर और क्रिकेटर था तो जिम का मुझे थोड़ा बहुत ही ज्ञान था, लेकिन साथ ही साथ मैं हेम जी के साथ जिम किया करता था और मेरा इनसे कंपटीशन भी हुआ करता था। और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं तो शर्मिंदा ना करें सर, मैं ऐसा तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जूनियर रहा हूँ। हेम जी हमारे ओपनिंग में आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर आदरणीय रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं और मैं उन्हें कोच के तौर पर ही देखता रहा, आज भी उन्हें अपने शिक्षक के तौर पर देखता हूं। और सर का इस बहुत अच्छे मौके पर मुझसे कहना, मुझे बुलाना, और ये अधिकार स्वरूप उनका होता है कि वे मुझे बुलाएं, उनके छोटे भाई की तरह हूं, और मुझे बहुत बेहतरीन लगा क्योंकि मेरा मातृ संस्थान है, हम दिल से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ही एक बहुत नई स्टूडेंट हैं पाखी, वो उनकी क्या आकांक्षाएं हैं इस यूनिवर्सिटी से और आगे क्या करना चाहती हैं, फिटनेस के लिए क्या समझती हैं पाखी? गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा तो ये यूनिवर्सिटी में आने, ये यूनिवर्सिटी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है और यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता 9 to 5, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम टाइम अभी निकालते हैं। में इसको एक डेढ़ महीना हुआ है इसलिए इतना कुछ बोल रही है ये। हाँ जी, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइम निकाल के फिटनेस को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। इनके टाइम नहीं मिलने वाली चीज पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपके संघर्ष का समय है और हमारे जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो समझे कि ये जो स्ट्रगल का समय है, हमें आदत हो जाती है 5 साढ़े 5 महीने के टेन्योर में 32-32 एग्जाम देने की, और वो लाइफ लॉन्ग काम आता है हमें कंपटीशन के इस दौर में। बस तो अब इधर पर हम यहाँ पे हम सुबह भी आ सकते हैं और शाम को, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए खुला रहता है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं। तो बाकी हम आपसे अपेक्षा करेंगे और शुभकामना देंगे कि आप आएं और फिटनेस की हाँ जो फैसिलिटीज है आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि गौरव में स्थान है, पढ़ाई में बहुत हाइट पर है, और फिटनेस के साथ आप अपना हेल्थ को भी बहुत बेहतर लेकर के जाएं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ में है यूनिवर्सिटी के पावर लिफ्टिंग चैंप, नए नए चैंप दीपक। दीपक प्लीज फिटनेस के बारे में कुछ कहें, क्या कुछ लाभ मिल रहा है आपको इसका पढ़ाई में? सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे एमटेक का, और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसमें जीता था। इस फील्ड में मुझे सर ही लेकर आए हैं सर, काफ़ी टाइम पहले मिला था सर से मैं, और तब से मैं सर से जुड़ा ही हूँ। सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं इस फील्ड के लिए। और जैसे मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया तो जिम का इतना ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी इस पर, लेकिन अब इतना अच्छा जिम खुल गया है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी को कहीं बाहर जाने की अब जरूरत ही नहीं है, यहाँ आए और अपने हेल्थ को बिल्कुल ही टॉप पीक पर पहुँचा सकते हैं। और सर का आशीर्वाद तो हमेशा हमें चाहिए चाहिए इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बाकी पपोला सर, थैंक्स टू यू, आपकी वजह से सर एक अच्छा जिम खुला है यहाँ पे। और बस मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आओ खेलो, एक्सरसाइज करो, खाओ बढ़िया करके हम देखते हैं अंदर हमारा जो वाकई में जो नया जिमनेजियम है उसे। वाओ, क्या निकला मुंह से वाओ, इतना बड़ा हॉल, इतना स्पेसियस। दीपक अंदर आए। दीपक आप तो आज की जनरेशन के यहाँ के स्टूडेंट हैं, जब हमने यहाँ जिम किया तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा जिम और अच्छे खासे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो आप लोगों को एक हार्ड कोर एथलीट के रूप में ट्रेन कर सकते हैं यहाँ पर हम। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सर को कह रहा था कि एक जमाना था ऐसा जिस समय जो है एक सिंपल एक प्लेन बेंच हुआ करती थी, उसी से हम सारे वेरिएशंस बेंच के करते थे। कैसे करते थे ये बताने की जरूरत मेरे फिटनेस फ्री के लोगों को नहीं है, वो समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या होगा। तो आज आपके पास इतना कुछ है और इसमें आप बहुत बेहतरीन बॉडी बना सकते हैं हमारे जो पन्नगर के स्टूडेंट्स हैं। और ये
क्लिप उनके लिए भी है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, और वो देखें कि उन्हें क्या नहीं मिला और आज हमारी जनरेशन को, आज आने वाली जनरेशन को क्या मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको लेकर क्या है, आप जस्ट मेरे पीछे एक पोस्टर देख रहे हैं। मैंने आपको बताया और आप भी जानते हैं कि ये मेरा मात्र संस्थान है और इस जगह के इस जिम्नेजियम में मेरा खुद का पोस्टर मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और भाव विह्वल कर देने वाला क्षण है। और कुछ समय पहले जब यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉन्टेक्ट करते हुए इस बात के लिए कहा कि आपका पोस्टर हम अपने यूनिवर्सिटी के जिम में लगाना चाहते हैं, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला था कि मेरे खुद के मातृ संस्थान और ऐसा मातृ संस्थान जो कि वर्ल्ड फेमस है, टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एशिया, तो उस जगह पर ये ऐसा होना मेरे लिए बहुत गौरवान्वित था। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था इस बात को। फिटनेस फ्रीक हूं ये तो आप सभी जानते हैं। आप सभी को पन्नगर की यादों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।